सरकारी सुरक्षा कर्मी गनर रखना उत्तर प्रदेश में स्टेटस सिंबल माना जाता है। सरकारी गनर रखने के लिए नेता एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। बड़े बड़े नेताओं को आपने सरकारी गनर्स और सुरक्षा कर्मियों के साए में रहते हुए देखा होगा, लेकिन एटा जनपद में लोग अचानक ही सड़क पर रेहड़ी लगाकर रेडीमेड कपड़े बेचकर गुजारा करने वाले के पास दो दो सरकारी गनर देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ये रेहड़ी वाला जब अपनी रेहड़ी लगाकर बाजार के फुटपाथ में कपड़े बेच रहा होता है तो दो सरकारी गनर इसकी सुरक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में लोग एक साधारण से रेहड़ी वाले की सुरक्षा में लगे दो सरकारी गनर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि साधारण से दिखने वाला जैथरा कस्बा में रेहड़ी पर रेडीमेड कपड़े बेचने वाले रामेश्वर दयाल को एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एक नहीं बल्कि दो दो सरकारी सुरक्षा कर्मी मिले हैं जो हर समय उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। दरअसल एटा जिले के जैथरा कस्बे के गांधीनगर में रहने वाले अनुसूचित जाति के रामेश्वर दयाल ने अखिलेश यादव के बेहद करीबी और गैंगस्टर एक्ट और अन्य कई मुकदमों में आरोपी एटा की अलीगंज सीट से 3 बार के पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव एवं उनके छोटे भाई सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और अन्य के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने और बंधक बनाकर जबरन उसकी जमीन का बैनामा करवा लेने का मुकदमा जैथरा थाना में 3 जून को दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में ही सपा नेताओं की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका डालकर इस मुकदमे को झूठा बताते हुए मुकदमे को खारिज कर एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई थी। रामेश्वर सिंह यादव ने अगस्त 2014 में वाद और उसके भाई को 1 महीने तक बंधक बनाए रखा और मारपीट की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर मौत का भय दिखाकर जबरन उनकी जमीन का बैनामा करवा लिया था, जिसके कारण आज वो जमीन होते हुए भी सड़क पर रेहड़ी लगाकर कपड़े बेचने के लिए मजबूर हैं। भाई साहब जगह घेर ली थी, किसने घेर ली थी? रामेश्वर भाई से बैनामा करा दिया था, फिर हमारी साथ में पूरी बात था। क्या मामला था? क्या जगह घेर ली थी हमारे भाई से, मानसिक रूप से मतलब डिस्ट्रस्ट था। अच्छा, उसमें मुकदमा दर्ज कराया हुआ? ये सुरक्षा जो मिली है तो कोर्ट के आदेश या कैसे? कोर्ट के आदेश से बताया। जब न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की और वादी को भी सम्मान भेजकर बुलाया गया तो वादी रामेश्वर दयाल हाईकोर्ट में हाजिर हो गया। इस बीच जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वादी बिना किसी सुरक्षा के वहां तक पहुंचा है और अभी तक पुलिस ने उसे सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है। उसी न्यायाधीश ने एटा पुलिस को इस मामले के वादी को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। आदेश के अनुपालन में ही एटा के एसएसपी उदय शंकर सिंह ने कल ही वादी रामेश्वर दयाल को सुरक्षा कर्मी उसकी रेहड़ी पर ही उपलब्ध करवा दिए, जहां पर सड़क पर रेहड़ी लगाकर रामेश्वर दयाल ठेले पर रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े बेचता है। ये दोनों सुरक्षाकर्मी निशुल्क उसकी सुरक्षा के लिए मिले हैं। तब से दोनों वादी की सुरक्षा में तैनात हैं। अब रामेश्वर दयाल के एटा जनपद के जैथरा कस्बे में चर्चे हैं। लोग आते जाते सड़क पर रेहड़ी लगाकर कपड़े बेच रहे रामेश्वर दयाल पर दो सरकारी सुरक्षाकर्मी देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और एक दूसरे से इसकी चर्चा भी खूब कर रहे हैं।